चिलचिलाती धूप में युवक रोजगार मेले में तो आए लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। आलम यह रहा कि मेले में बीटेक पास अभ्यर्थी को 6,000 रुपये का ऑफर मिल रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि रोजगार मेले का अस्तर क्या था। झारखंड के हर जिले से नौकरी की आस में आए युवक उन्हें वैरंग अपने घर वापस लौटना पड़ा और निराश होकर जाते समय उनके चेहरे का रंग देखते बन पड़ रहा था। विभाग और रघुवर दास की सरकार तीसरी आंख भी है, तीसरा नेत्र भी है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो फौरन मुझे इत्तला करे, विभाग को इत्तला करे, विभाग के अधिकारी फौरन उस पर कार्रवाई करेगा। और कई बार मैंने करके भी दिखलाया है, जब जब दत्तोपन ठंगड़ी रोजगार मेला होता है मैं स्पष्ट रूप से एजेंसियों को इस बात का हिदायत देता हूँ कि आप नौजवानों को तो ले जा रहे हो लेकिन नौजवानों के साथ किसी प्रकार की बेरुखी न हो, उसको न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन नहीं हो, उसके सम्मान में किस प्रकार का ठेस नहीं पहुँचे, यह मैं बराबर हिदायत देता हूँ। मिनिमम 11,000 रुपया से 15,000 रुपया तक का यहाँ पे है और न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। रोजगार मेले में श्रम मंत्री राज पालीवाल के दावों की पोल खुलती नजर आई। रोजगार मेले में शामिल होने आए छात्र निराश होकर घर लौट रहे थे। बेरोजगारी का आलम उनके सर चढ़कर बोल रहा था। खैर जो भी हो, सरकार के इस प्रयास की तारीफ करनी होगी कि उनकी तरफ से युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का एक मंच तो उपलब्ध कराया गया। अब देखना अहम यह होगा कि कितने युवकों को इस मेले से लाभ मिल पाता है। सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट।